नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए आप सभी लोग। दोस्तों आप भी अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा एक अच्छा सा बिजनेस हो, मैं भी खुद की कंपनी का मालिक हूँ, मैं भी एक अपनी कंपनी का बॉस बनूँ, अपने खुद का बॉस बनूँ। बिल्कुल कर सकते हैं यार, बिल्कुल अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो सब इतना इजी नहीं है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए, आपके पास अच्छे से रिसोर्सेस होने चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एक अच्छा सा ड्रीम नहीं होगा तब तक आप अपने बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते। एक अच्छा सा गोल क्रिएट करना पड़ेगा। आप जब एक गोल क्रिएट करते हैं तो उस गोल के हिसाब से आप काम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बिजनेस खड़े होते हैं और बंद हो जाते हैं। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक उसको सस्टेनेबल नहीं कर पाते, ज़्यादा दिन तक उस बिज़नेस को चला नहीं पाते। अब वो होता क्यों है भाई? देखो, बिज़नेस को स्टार्ट करना यार, पहले साल तो बिज़नेस में आपको जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर आपको जेब से पैसे लगा के उस बिज़नेस को रनिंग में लाना पड़ता है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटा सा होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, उसमें आपको खुद से जेब से पैसे लगा के आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसमें खुद से पैसे लगा के उसको रन अप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बिज़नेस शुरू किया और कल से आपकी बिक्री शुरू, कल से आपने अच्छा खासा अर्निंग करना शुरू कर दिया। बिज़नेस बहुत सारे हैं, आपको समझना है, आपको सोचना है कि आपको रेस्टोरेंट चलाना है, आपको एक मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करना है, या आपको सर्विसेज देना है। बिज़नेस आइडिया कैसे सोचना है आपको वो डिफेंड करना है। बिज़नेस आइडिया सोचने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप कहीं भी निकलो, किसी भी सिटी में जाओ, कहीं पे भी जाके बैठो और वहाँ पे देखो कि हर एक चीज़ में आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिखेगी। छोटी से छोटी चीज़ में आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिखेगी। देखो, आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे, किस चीज़ में हम बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, किस चीज़ में हम बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो, आज की डेट में ऐसे ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं जहाँ पे सिर्फ चाय मिलती है, और चाय एक प्रकार की नहीं, वहाँ पे कम से कम 100 प्रकार की चाय वहाँ पे मिलती है, अलग अलग फ्लेवर में। जिसको जिस फ्लेवर में चाय पीना है वो वहाँ पे जाए और उस फ्लेवर की चाय को ऑर्डर करके और वहाँ पे चाय का मजा ले। ऐसे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, ऐसे ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके मन में भी चलता होगा, भाई मैं भी ऐसे रेस्टोरेंट खोलूँगा, मैं भी ऐसी बेकरी शुरू करूँगा, ऐसे गारमेंट का काम शुरू करूँगा, मैं भी ये चीज़ करूँगा। लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि हम एक प्लानिंग ही नहीं करते हैं, हमारा गोल फिक्स नहीं है, हम फिक्स नहीं करके रखे कि हमको कहाँ पे जाना है एक्चुअल में। हमारा जब तक गोल फिक्स नहीं होगा, जब तक गोल क्रिएट नहीं होगा, तब तक हम अपने बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम अपने बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ओवरऑल हम बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक माइंड सेट करना है, एक गोल सेट करना है, देन उसके बाद अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको सीखना है, लर्न करना है और आगे बढ़ते जाना है। एक अच्छी सी सोच बनाइए, थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए और अपने बिज़नेस को शुरू कीजिए। आज की डेट में नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, आज की डेट में जो सिस्टम है आपको खुद पता है, नौकरियां हैं ही नहीं। अगर हैं तो वो नौकरी ऐसी है जो आपको मार देगी, आपको मौत दे देगी, आगे चल के मात देगी, आपको ख़त्म कर देगी, ऐसी नौकरियां हैं। भाई मैं भी जानता हूँ, नौकरी होनी चाहिए तो या तो 50,000-60,000 रुपये सैलरी हो अच्छी खासी महीने में, तब जाके आप नौकरी करो। आप 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करोगे, आपको आगे जाके उसमें क्या कमाओगे, क्या बचाओगे और क्या खर्च करोगे? आपके भी तो सपने होंगे ना कुछ करने के। तो आज जो बिज़नेस आप शुरू करोगे, हो सकता है वो बिज़नेस आगे जाके ग्रो अप करे, हो सकता है वो बिज़नेस आगे जाके बढ़ा लें आप, हो सकता है उसको आप ऑल इंडिया लेवल पे चला दें तो आप करोड़ों रुपए उससे अर्न करें। लेकिन ये सारी चीज़ें इतना इजी नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत मेहनत तो लगेगी ही यार, आपको एफोर्ड करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ कैसे चल रही हैं? देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और इतने बड़े बड़े बैंकों से लोन लेके रखी हैं, वहाँ लोन लेके कंपनियाँ चला रही हैं और लोन ले लेके बड़ी बड़ी कंपनियाँ चल रही हैं, शेयर होल्डर्स हैं उनके और बहुत से अपनी कंपनियों के शेयर बेचते हैं। मतलब बैकग्राउंड में हम देखें तो हमको समझ में नहीं आएगा भाई, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। हमको भी, हम भी तो एक इंसान है, हम भी ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो सोच बदलो, आप बिल्कुल कर सकते हो हर एक चीज़, ऐसा कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आप अगर आपने ठान लिया, अगर आप करना चाहते हो तो सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ना कर सकते हो, बस आपके अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए, करने का रिस्क होना चाहिए और हुनर होना चाहिए। बिल्कुल आप सारी चीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, ख़त्म करता हूँ मैं यहाँ पे वीडियो को और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।